उत्तर प्रदेश में भारी बारिश लोगों पर अब भारी मुसीबत की तरह बरस रही है। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं तो कई ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और आपको बता दें, नदियां उफान पर हैं और किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सीएम योगी ने बुधवार को कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और आज भी वो कई और इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। यूपी में मानसून जाते जाते भी प्रदेश के कई इलाकों के लिए मुसीबत बन गया। बीते कुछ दिनों से कई जिलों में भारी बारिश परेशानी बन गई है। राज्य में 1300 से भी ज्यादा गांव फिलहाल या तो बाढ़ की चपेट में हैं या फिर बाढ़ का खतरा उन पर मंडरा रहा है। बुधवार को सीएम योगी ने यूपी के अलग अलग बाढ़ ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सभी जनपदों में युद्ध स्तर पर बचाव और राहत के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। बाढ़ से बचाव के लिए भी अभियान युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। किसी भी आपदा में किसी भी प्रकार की जन और धन की हानि पर सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। बाढ़ जैसी त्रासदी में राहत कार्य युद्ध स्तर पर करने के लिए पहले से निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपदा में जनहानि पर 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा हालात बाराबंकी के खराब हैं। यहां घाघरा नदी में आई बाढ़ ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से घरों के अंदर पानी घुस गया है। लोग नाव पर ही खाना बनाने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि कभी कभी तो नाव भी नहीं आती तो वो खाना भी नहीं बना पाते। घाघरा नदी के निशान से काफी ऊपर बहने से बाराबंकी की रामनगर तहसील क्षेत्र में पुराने रेलवे ट्रैक के पास बाढ़ के पानी से बचाव के लिए बने बांध में रिसाव हो गया। रिसाव की जानकारी होते ही तराई क्षेत्र में बसे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी जानकारी खंड और तहसील प्रशासन को दी, मगर जब प्रशासन का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा तो लोगों ने रात में ही इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया। बाराबंकी में बाढ़ ने बुधवार को एक 12 साल की लड़की की जान ले ली, लेकिन बाढ़ से परेशान होने वाले जिलों में बाराबंकी अकेला नहीं है। बाराबंकी से सटे कई ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ का कहर लोगों पर बरस रहा है। बहराइच जिले की 4 तहसीलों के 95 गांवों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ये तस्वीरें गोंडा के सोहावल तहसील के ढेम्बा घाट की है। सरयू में अचानक 2 नाव फंस गई। तस्वीरों में देखिए किस तरह से लोगों का सीढ़ी के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। अयोध्या के तराई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई गांव बाढ़ की भीषण चपेट में आ गए हैं। संत कबीर नगर में लगातार बारिश के चलते जिले में बहने वाली घाघरा, राप्ती व आमी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते करीब 19 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के चलते नदी के निचले इलाकों की धान की फसल डूब गई है। बाढ़ से प्रभावित कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। प्रभावित गांव की सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। अयोध्या का सरयू घाट भी खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। हालात ये हैं कि महाआरती घाट पूरी तरह डूब चुके हैं। बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ की समीक्षा करने अयोध्या पहुंचे और अधिकारियों को स्थिति से निपटने के लिए निर्देश भी दिए। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।